दोस्तों PUBG यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एंड जब भी आप इस गेम को खेलना चाहेंगे तो एक एक्सेसरीज जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो है एक एयरफोन का। एंड वायर्ड एयरफोन एक ऐसा एयरफोन होता है जो गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको 300 से 600 रुपए के अंदर आने वाला 5 ऐसे एयरफोन के बारे में बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है गेमिंग के लिए। और इन सभी एयरफोन में जो फुटप्रिंट्स आता है PUBG खेलते वक्त वो किधर से आ रहा है वो आप काफी इजीली नोटिस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सोच समझ के मैंने इन लिस्ट को बनाया हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 300 से 350 रुपए के आसपास है और आप एक गेमिंग एयरफोन खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है बोल्ट की तरफ से आने वाला बोल्ट ऑडियो बेस बड X1। ये आपको नॉर्मली 300 से 330 रुपए के आसपास मिल जाता है। क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है इस प्राइस के हिसाब। 10mm का ड्राइवर मिलता है तो साउंड क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड 3.5mm का जैक मिलता है। ये एंगल शेप में है तो जब भी आप फोन में गेम खेलेंगे तो आपको काफी अच्छा ग्रिप भी देखने को मिल जाता है। साथ में वायर का क्वालिटी भी काफी अच्छा है और एयर प्लग का सामने का हिस्सा भी कुछ एंगल में टिल्ट है तो आपके कान में बहुत अच्छे से ये फिट हो जाता है। और साथ में आपको बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा पेयर एयर हुक्स भी मिलता है तो आप आपके कानों के हिसाब से एयर हुक्स को भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको किसी भी एयरफोन में एक्स्ट्रा पेयर एयर हुक्स नहीं मिलता है, एयर टिप तो मिलता है बट एयर हुक्स नहीं मिलता है। तो क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। ये एयरफोन IPX5 के रेटिंग के साथ भी आता है तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो अगर आप एक बजट गेमिंग एयरफोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। और इस एयरफोन को मैंने बहुत लंबे समय तक यूज किया हुआ है। इसका रिव्यू वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जरूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इस एयरफोन को लेना चाहते हैं तो। और दोस्तों अगर आपका बजट 400 रुपए है तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, बोट की तरफ से आने वाला बोट 103 एंड MI की तरफ से आने वाला MI एयरफोन बेसिक। जी हां दोस्तों, ये दोनों ही एयरफोन बहुत ज्यादा जबरदस्त है और ये मैं लास्ट 3 साल से यूज कर रहा हूं। हां पहले ऐसा ही पैकेट हुआ करता था, यहां पे एयरफोन जो है वो पड़ा हुआ है। ये हमेशा मैं लैपटॉप से कनेक्ट करके रखता हूं, जब भी मुझे एडिट करना होता है तो मैं हमेशा इसको यूज करता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं जो मिडिल वाला हिस्सा ये टूट गया था तो मैंने यहां पे टेप कर दिया, तो आप यहां पे देख सकते हैं। एंड जो माइक है वो भी अभी तक वर्क करता है, जो एयरफोन है वो भी अभी तक बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एंड मुझे ये एयरफोन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद इसका एक वीडियो किया था तो अभी ये 3 साल हो चुका है, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहां पर आपको गोल्ड प्लेटेड 3.5mm का जो जैक मिलता है वो आपको एल शेप में मिलता है, सो ये भी एक काफी अच्छा बात है। एंड जो साउंड क्वालिटी है वो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त मिल जाता है। एंड जो माइक है वो आपको मुंह के सामने मिल जाता है, आप यहां पे देख सकते हैं जो माइक है वो आपको इनलाइन माइक मिलता है, तो यहाँ पे आपको माइक का प्लेसमेंट मिलता है। तो जब भी आप गेम खेलते हैं तो आपका जो वॉइस है वो काफी क्लियरली उल्टा साइड में जाता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा जोर से बात करने का जरूरत नहीं होता है। इसके अलावा आप पोर्ट 103 को भी खरीद सकते हैं, ये भी एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एयरफोन है इस प्राइस रेंज के अंदर। यहाँ पर भी आपको गोल्ड प्लेटेड 3.5 का जैक जो है वो एल शेप में मिलता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड जो म्यूजिक क्वालिटी वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लॉक भी देखने को मिलता है, तो आप दोनों एयरफोन को एक साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं। और जो फुटप्रिंट आता है PUBG खेलते वक्त वो भी आपको काफी क्लियरली देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अंडर 400 रुपीस में ये दोनों ही एयरफोन बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आप दोनों में से किसी को भी खरीद सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे आपको 1 साल का वारंटी मिलता है और इसमें आपको 6 महीने का वारंटी मिलता है, बट मैं इसको 3 साल से यूज करूं तो इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। और जो भी एयरफोन मैं आपको बता रहा हूं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सबका डिटेल रिव्यू वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा जो भी एयरफोन आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहां पे मैं ज्यादा डिटेल्स कहना चाहूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका बजट 500 रुपए है तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है बोट की तरफ से आने वाला बोट बेसेड 242। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो क्वालिटी मिलता है साउंड का वो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलता है, जो बेस है वो बहुत ज्यादा पंची देखने को मिल जाता है। एंड साथ में जो फुटप्रिंट है वो आपको काफी क्लियर देखने को मिलता है, एंड आप काफी इजिली नोटिस कर सकते हैं कि किस तरफ से फुटप्रिंट आ रहा है। और साथ में यहाँ पे आपको जो माइक है वो आपको मुंह के सामने ही मिल जाता है, एंड साथ में आप यहाँ पे वॉल्यूम का भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस माइनस का बटन भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर भी आपको IPX4 का रेटिंग भी मिलता है, एंड ये एयरफोन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप गेमिंग के लिए एक एयरफोन खरीदना चाहते हैं बोट कंपनी की तरफ से तो आप डेफिनेटली इस एयरफोन के साथ जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही चीज नोटिस करने की, जो एयरफोन का 3.5mm का जैक है वो आपको एल शेप के साथ नहीं मिलता है, सो यही एक ड्रॉबैक है। बाकी जो एयरफोन का क्वालिटी है वो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप इस एयरफोन के साथ जा सकते हैं। अंडर 500 रुपीस में ये आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं, अगर आपका बजट 600 रुपए है और आप एक गेमिंग एयरफोन खरीदना चाहते हैं तो मेरे
मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। दो नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी बर्ड्स 2। ये बहुत ही जबरदस्त एयरफोन है एंड इसको मैं लास्ट 7-8 महीने से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं हमेशा इसको गाना सुनने के लिए, फोन में बात करने के लिए इसको यूज करता हूँ। एंड साथ में यहाँ पे आपको 11.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है, तो जो म्यूजिक क्वालिटी है वो आपको काफी जबरदस्त मिल जाता है। जो वोकल्स है वो आपको क्रिप सुनने को मिलता है एंड जो फुटप्रिंट है वो भी आपको काफी क्लियर देखने को मिलता है जब भी आप गेम खेलते हैं। एंड साथ में यहाँ पे आपको जो केबल ऑर्गेनाइजर मिलता है वो आपको काफी ज्यादा हैंडी मिल जाता है एंड जो केबल्स है वो आपको ब्रेडेड टाइप का केबल मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। और इस एयरफोन में भी आपको जो माइक का प्लेसमेंट है वो आपको मुंह के सामने मिल जाता है एंड यहाँ पर भी आपको 3 बटन मिलते हैं, तो वॉल्यूम को प्लस माइनस भी कर सकते हैं। एंड जो क्वालिटी है वो आपको काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिर्फ गेमिंग पर्पज में ही नहीं, अगर आप फोन में लंबे समय तक बात करना चाहते हैं या फिर आप म्यूजिक सुनने के लिए एक बेस्ट एयरफोन खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस एयरफोन के साथ जा सकते हैं। काफी जबरदस्त आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिल जाता है। इस एयरफोन को मैंने 2 नंबर पे सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे इसका जो 3.5 mm का जैक है वो आपको गोल्ड प्लेटेड भी नहीं मिलता है एंड साथ में एल शेप के डिजाइन के साथ भी नहीं आता है, जो गेमर्स को काफी ज्यादा पसंद होता है। एंड हमारा जो 1 नंबर का एयरफोन है वो इसी चीज को कंप्लीट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं 600 रुपए के अंदर आने वाला सबसे बेस्ट गेमिंग एयरफोन के बारे में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आता है एमआई की तरफ से आने वाला एमआई ड्यूएल ड्राइवर इन एयर एयरफोन। जी हाँ दोस्तों, इसका नॉर्मल प्राइस है 800 रुपए, बट जब भी कोई सेल आता है तो ये आपको 599 रुपीज में मिल जाता है। मैंने भी इसको परचेस किया था करीब 1 महीना पहले। इस एयरफोन में आपको ड्यूएल ड्राइवर देखने को मिलता है, एक है 10 mm का एंड दूसरा है 8 mm का। जो साउंड क्वालिटी है वो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त मिल जाता है एंड जो फुटप्रिंट्स है वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर देखने को मिल जाता है। एंड साथ में इसमें भी आपको मैग्नेटिक एयर प्लग मिलता है, जो माइक मिलता है वो आपको मुंह के सामने मिल जाता है, 3 आपको इनलाइन बटन मिलता है एंड साथ में इसका जो केबल है वो भी आपको ब्रेडेड टाइप का केबल मिल जाता है। बट इस एयरफोन को मैंने नंबर 1 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे इसका जो 3.5 mm का जैक है वो आपको एल शेप में मिलता है एंड साथ में ये गोल्ड प्लेटेड डिजाइन के साथ भी आता है। और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पे इसका जो एयर टिप का क्वालिटी वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है एंड जो ओवरऑल एयरफोन का क्वालिटी है वो आपको काफी प्रीमियम देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप अंडर 600 रुपीज में एक कंप्लीट ईयरफोन खरीदना चाहते हैं जहां पे आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिले, म्यूजिक का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिले, कॉल का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिले, तो आप एमआई के इस ड्यूएल ड्राइवर एयरफोन के साथ जा सकते हैं। इसका रिव्यू वीडियो अभी तक हमारे चैनल में नहीं आया, बट इस एयरफोन को मैं लास्ट 10-12 दिन से यूज कर रहा हूं एंड मुझे ये एयरफोन बहुत ही अच्छा लग रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं अभी ये किस प्राइस में अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही कुछ 6 एयरफोन है जो अंडर 600 रुपीज में आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। 300 रुपए भी मैंने आपको बताया, 400, 500, 600 सब प्राइस में ही मैंने आपको बता दिया। तो इनमें से आप कौन सा खरीदना चाहते हैं नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा। और ये जो 6 एयरफोन मैंने आपको बताया, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कोई एयरफोन है जो हमारे इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो वो भी आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।